गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे 12वीं इंग्लिश का मॉडल पेपर जो आपके भी बोर्ड पेपर में आ सकते हैं 2022 में। इसमें जैसे आपका तीन सेक्शन रहेगा, आपका सेक्शन ए 20 नंबर का, सेक्शन बी 30 नंबर का और सेक्शन सी ये भी 30 नंबर का होगा। टोटल आपका 80 नंबर का क्या है, आपका सैद्धांतिक पेपर होगा। जो थ्योरी पेपर है आपका 80 नंबर का होगा और 20 नंबर का प्रोजेक्ट, अभी जो स्कूलों में चल रहा है प्रोजेक्ट फाइल आप लोग सब जमा करने होंगे, तो 20 नंबर उसमें मिलता है और 80 नंबर के इसमें 80 नंबर का पेपर होता है थ्योरी पेपर। इसमें आपका सेक्शन ए में दिया है आपका कंप्रेंसर रहेगा, ठीक है, यानी एक पैसेज रहेगा। जैसे इसमें पैसेज दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, आपको ऐसा पैसेज दिया रहेगा और इसी पे क्या है बेस रहेगा क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चंस दिया है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग अबाउ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाई चूजिंग द राइट ऑप्शन। आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और राइट आंसर में क्या आपको राइट आंसर को बताना है। बस सभी दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसका दिया है आपका ब्लैंक्स दिया है, ये सब वर्ड का क्या है आपको यूज करना है, जितने आपका ब्लैंक्स है उसको क्या है आपको फिलअप करना है। तो आपका टोटल जो आपका पहला पैसेज है आपका 12 नंबर का आता है या 5 नंबर का, ये 5 नंबर हो गया। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर, तो 7 5 12 नंबर का आपका पहला पैसेज रहेगा, पैसेज या पोयम ये आपका क्या है 12 नंबर का रहेगा। इसके बाद है आपका ये वाला पैसेज, नोट मेकिंग वाला है ये पैसेज। आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्या है इससे रिलेटेड क्या आपको नोट मेकिंग बनाना है। अगर आप नोट मेकिंग नहीं जानते हो नोट मेकिंग कैसे बनाना है तो आप मेरे चैनल के वीडियो पेज में जाके देख सकते हो कि नोट मेकिंग कैसे बनाना है आपको, मैं वहाँ पर वीडियो बनाया हूँ आप लोग देख सकते हो। इसमें आपको नोट्स बनाना रहता है, आपको हेडिंग सब हेडिंग का यूज़ करके नोट्स बनाना रहता है, उसके क्या है एक सूटेबल आपको टाइटल भी देना रहता है और की एब्रिवेशन का भी यूज करना पड़ता है। उसके बाद क्या है 4 नंबर का आपका आएगा समरी लिखने के लिए, इसमें समरी में 4 नंबर आएगा और नोट मेकिंग हेडिंग सब हेडिंग ये सब बनाओगे इसमें क्या है आपको 4 नंबर मिलेगा। टोटल क्या है आपका ये सेकंड वाला पैसेज आपका 8 नंबर का आता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका सेक्शन ए कंप्लीट। इसका देखते हैं सेक्शन बी में क्या आएगा। सेक्शन बी में आपका क्या है नोटिस आएगा, नोटिस या एडवर्टीजमेंट ये आपका ऑप्शन रहेगा, एडवर्टीजमेंट भी आ सकता है, नोटिस तो आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका 4 नंबर का आता है। इसके बाद आपको लेटर लिखना रहेगा, ये आपका 6 नंबर का आएगा, लेटर या एप्लीकेशन। ये आपका देखो राइट ए लेटर टू द कमिश्नर ऑफ रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये आपका इनफॉर्मल लेटर ऊपर का। तो आपको एप्लीकेशन या लेटर लिखना है आपका 6 नंबर का आता है। इसके बाद आर्टिकल, ये आपका 10 नंबर का आता है आर्टिकल। अभी कोरोना चल रहा है तो हो सकता है आपका पूरा कोविड-19 वाला आप लोग तैयारी कर लेना आर्टिकल, तो कोविड-19 वाला आपका आएगा। इसके बाद आपका 10 नंबर का ग्रामर डू एज डाइटेड, इसमें ये सब दिया है सिंपल कॉम्प्लेक्स इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इफ और अनलेस का यूज, अनलेस की जगह इफ का यूज़ करना है आपको, सो दैट का यूज करना है, टू का यूज करना है, चेंज द नरेशन, ये सब ग्रामर में समझा चुका हूँ आप लोगों को नरेशन में, आप वीडियो में जाकर देख सकते हो क्लास वाइज। ये हो गया आपका सेक्शन बी। इसके बाद है सेक्शन सी, इसमें क्या है आपका शुरू में आपका पैसेज दिया रहेगा या तो पोयम आ सकता है, ठीक है, और इसी से क्या है रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, इसी के ऊपर आधारित रहेगा ये सब। देखिए आप एक एक नंबर दिया है इसमें, ये एक नंबर का है, एक नंबर ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया है व्हाट मेड द पेलट थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप, ये अब आपका है लेसन का है, आपका जो फ्लेमिंगो बुक है वहाँ से है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, ये सब आप बुक से आएगा आपका, टोटल सिर्फ 30 नंबर का ही आएगा, बाकी क्या है बाहर का आपका जैसे ग्रामर है और पैसेज है एप्लीकेशन वगैरह है वो तो अलग है, लेकिन बुक से आपका सिर्फ 30 नंबर का ही आएगा।
इसमें बड़ा क्वेश्चन रहेगा, दो बड़ा क्वेश्चन जो छः नंबर का आएगा। ये वाला आपका विश्वास बुक से है, ये जितना क्वेश्चन है हाउ डिड चार्ली, ये आपका थर्ड लेवल का है। वेस ये क्वेश्चन क्वेश्चन 32 में आपका दिख रहा है, ये शायद सिलेबस में नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसको मैं एडिट कर लूँगा, इसको मैं हटा लूँगा। आप लोग जितना क्वेश्चन बताएंगे सबके हैं सिलेबस में है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये छः नंबर का ये भी है। छः नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक फ्लेमिंगोस रहेगा, एक विस्टास रहेगा, बाकी सब दो दो नंबर, एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ये सब। तो आप लोगों को मॉडल पेपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, इसका पूरा आंसर चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को इसका आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए। आप जितना कमेंट करेंगे उनके हिसाब से मैं क्या है वीडियो बनाऊंगा सबका पूरा आंसर सहित। ठीक है बच्चों, तो मैं अपने चैनल पर दो मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, 12वीं इंग्लिश का, अब ऐसे ही 10वीं इंग्लिश का भी दो मॉडल पेपर अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग सब कमेंट कीजिए, आप जितना कमेंट करेंगे तो क्या है मैं जल्दी आपको आप लोगों के लिए बनाऊंगा वीडियो। ठीक है बच्चों।